दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इस कंपटीशन के टाइम में स्मार्टफोन कंपनी अपने डिवाइस को दूसरों से बेहतर बनाने में हुए लगी हुई है। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते हुए लिनोवो भी इस रेस में शामिल हो चुकी है। लिनोवो के अपकमिंग स्मार्टफोन Z6 Pro के रूमर्स आना शुरू हो गए हैं। कंपनी के CEO चैंग के द्वारा वेब अकाउंट पर पोस्ट की गई एक इमेज में इसके कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ गए हैं। फोन की हाईलाइट ये है कि इसमें आपको 100 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा ये फोन आपको 5G नेटवर्क सपोर्ट के साथ भी लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा और Lenovo Z6 Pro कंपनी का फ्लैगशिप फोन होने वाला है, ये भी कंफर्म हो गया है इस 100 मेगापिक्सल के कैमरा के रूम्स के साथ में। फोन की कैमरा को लेकर कंपनी ने अपने वेब अकाउंट पर हैशटैग के साथ एक चाइनीज वर्ड यूज किया है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है बिलियन पिक्सल। एक बिलियन पिक्सल की वैल्यू 100 मेगापिक्सल के इक्वल होती है। कंपनी इस वर्ड को तब पोस्ट किया है जब Qualcomm ने भी अनाउंस किया है कि उनका एक चिपसेट आने वाला है जो कि 100 मेगापिक्सल के रिजोल्यूशन पिक्चर को सपोर्ट करने वाला है, यानी कि 100 मेगापिक्सल की इमेज भी क्लिक करने वाला है वो। ऐसी कंडीशन में कैमरा मल्टीपल शॉट को सिंगल फ्रेम में कंबाइन कर देता है जिससे लार्ज कैपेसिटी की पिक्चर क्लिक हो जाती है। इसके अलावा कंपनी ने हाइपर वीडियो फीचर भी मेंशन किया है इसमें। इस फीचर के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फ़ोन का कैमरा सुपर माइक्रो मोड को भी सपोर्ट करने वाला है। हालांकि फ़ोन में यूज़ किए जाने वाले चिपसेट के बारे में अभी कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन सामने नहीं है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 855 प्रोसेसर ही देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 12GB की रैम 512GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ ही मार्केट में उतरने वाला है। साथ ही में 5G सपोर्ट के साथ आने वाला तो कंपनी इसमें Qualcomm के X5 मोड का यूज़ भी कर सकती है जिसका यूज़ फोल्डेबल फ़ोन में ही किया जाता है। कंपनी इस फ़ोन के 5G और नॉन 5G दोनों ही वेरियंट को लॉन्च करने वाली है। रूमर्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस फ़ोन के 5G वेरियंट को जून 2019 तक लॉन्च किया जाएगा। 4G वेरियंट के लिए यूज़र को थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। कंपनी इस फ़ोन को प्रीमियम रेंज में अनाउंस करेगी और इस फ़ोन की एक्सपेक्टेड प्राइस मेरे हिसाब से बताऊँ तो वो 55,000 से 60,000 के बीच में होने वाली है। अगर कंपनी इस फ़ोन को 100 मेगापिक्सल रिजोल्यूशन के साथ लॉन्च करती है तो मार्केट में आने वाला ये पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको 100 मेगापिक्सल का फोन इसमें अपना कैमरा देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही मैं ऐसी टेक्नोलॉजी से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको नए रोक में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और बोलते रहिए भारत माता की जय।